और आप मुझे देख रहे जीएनबी 7 न्यूज से, और मैं यहाँ पे आया हूँ मलाड डिस्ट्रिक्ट के साथ। पीयूष गोयल जी आए हैं, उनका भाषण सुनिए। कि इस देश का भला अगर कोई करना वाला है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अभी कुछ ही दिनों पहले, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले लोकसभा और विधानसभा के टिकट का पैमाना पता है क्या होता था? अगर आपने 5 मर्डर किए हैं तो आपको नगर पालिका का टिकट मिलेगा, अगर आपने 10 से ज्यादा मर्डर किए हैं तो आपको विधानसभा का टिकट मिलेगा, और अगर 50 से ज्यादा मर्डर किए हैं तो आपको लोकसभा की टिकट मिलेगी। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ऐसे बड़े बड़े माफिया इन सारी पार्टियों के अंदर जाते थे और कुछ नहीं बोलते थे, बताते थे कि मैंने इतनी सारी हत्याएं की है, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इसके लोग ये समझते थे कि उत्तर प्रदेश को चलाने का मतलब है बड़े बड़े माफियाओं को टिकट देना, और ऐसे सारे माफिया जो जनता के भेजना चाहिए। 2014 में हमने गोपाल शेट्टी जी को 4.5 लाख वोट से जिता के भेजा। 2019 में हमने उसमें 15,000 की बढ़ोतरी की, 4,65,900 वोट से गोपाल शेट्टी जी जीत के गए। तो अब ये हमारे ऊपर दायित्व हो गया है कि जब इतना भारी व्यक्ति, भारी भरकम व्यक्ति हमारे साथ है तो हमने भी ये मार्जिन उतने भारी भरकम मतों से बढ़ाना चाहिए, और लगभग ऐसी उम्मीद है कि कम से कम 5.5-6 लाख वोटों से जीत के जिता के उनको हमने सांसद में भेजना है। उत्तर मुंबई की ये सीट लगातार पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, और आपकी जानकारी के लिए पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर की सीट 2000 उनके और कैबिनेट मिनिस्टर, उनके हाथ में रेलवे मिनिस्ट्री थी, और आपको पता होगा कि वंदे भारत पहले मुंबई में शुरू किसने की होगी, वो पीयूष गोयल जी ने की है, और आने वाले समय में भी उत्तर मुंबई में विकास का जो हमने विड़ा उठाया है, जैसे गोपाल शेट्टी ने सबके बीच में रह के बहुत सारे विकास के काम किए हैं, और वैसे ही हमारे पीयूष गोयल जी वो मोदी जी के संपर्क के 2 साल में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, एक डिसीजन मेकर मतलब डिसीजन लेने वाले लोग आज चाहिए, और डिसीजन लेने वाले लोग हैं यहाँ पर, तो इससे हमारे को फायदा हो सकता है। 500 साल जिस चीज के लिए हम लड़ रहे थे वह सपना भी पूरा हुआ। बाला साहब ने देखा हुआ सपना था राम मंदिर, जो 500 साल जिसके लिए हम लोग लड़े वह सपना भी मोदी जी ने पूरा किया। धारा 370 जो कभी नहीं हट सकती थी वह सपना भी पूरा हो रहा है, हुआ, और ऐसे कई और सारी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी जी हमारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके कंधे से कंधा मिलाना है, मतलब एक वोट के रूप में जो हमको ताकत मिली है उस वोट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है, और अच्छे मतों से यहाँ से इस बार रिकॉर्ड करना है, और भारी मतों से पीयूष गोयल जी को जीता कर आगे भेजना है। तो उसमें सारे अपने जितने राष्ट्रहित में लोग हैं सबका साथ चाहिए, और सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसको बुलंद करना है। इसी के साथ अपने 2 शब्द समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।